भगवान पहले सेब बेचने के लिए बाहरी राज्यों की मंडियों में जाते थे, लेकिन वहां उनके साथ लूट सूट और ठगी बेहद ज्यादा होने लगी थी, जिसके चलते हिमाचल में मंडियों का निर्माण किया गया। यहां की सेब मंडियों में हिमाचल के भगवान अपनी फसल लेकर पहुंचते हैं और वे अपनी फसल आरती को देते हैं, जिसे आरती कमीशन लेकर उसे आगे बाहरी राज्यों से आने वाले लादनियों को बेचते हैं। लेकिन कुछ वर्षों से बाहरी राज्यों से कुछ लदानी आरतियों से सेब तो खरीद गए, लेकिन उन्हें उसकी कीमत अभी तक नहीं मिली। अब उनसे संपर्क भी नहीं हो पा रहा है। आपको बता दें कि सोलन सेब मंडी में करीबन 23 आरती हैं और करीबन सभी के करोड़ों रुपए इसी तरह से फंसे हुए हैं। गौरतलब है कि ये इसकी शिकायत कई बार पुलिस में कर चुके हैं, लेकिन अभी तक आरतियों के साथ धोखा करने पर दोषी लदानियों के खिलाफ कोई FIR दर्ज नहीं हो पाई। ये जानकारी सोलन के आरतियों ने मीडिया को दी। आरतियों का कहना है कि किसान के पैसे न मरे, इसको लेकर SIT बना दी गई है, लेकिन आरतियों के लिए ऐसी कोई SIT का गठन नहीं किया गया है। अगर ये कमेटी आरतियों के लिए बनाई जाती है तो उनका पैसा फंसता और न ही बागवानों को कोई दिक्कत आती। उन्होंने बताया कि बाहरी राज्य से आया लदानी उनसे करीबन 37 लाख रुपए के सेब लेकर अचानक रात को गायब हो गया। अब वे ना फोन उठा रहा है और ना ही स्पष्ट कर रहा है कि वे उनका भुगतान कब करेगा। उन्होंने बताया कि इस तरह और आरती भी ठगी का शिकार हुए हैं। एक माह में करीबन 70 लाख रुपए का चूना आरतियों को लग चुका है। उन्होंने रोष प्रकट करते हुए कहा कि इस घटना की शिकायत वे पुलिस में भी कर चुके हैं, लेकिन अभी तक दोषी लदानियों के खिलाफ FIR दर्ज तक नहीं की गई है। इसलिए वे प्रदेश सरकार से गुहार लगाते हैं कि प्रदेश सरकार जिस तरह किसानों के हितों की रक्षा कर रही है, उसी तरह वे आरतियों का भी ख्याल रखे। मेरा खरीदार जो है 14 सितंबर को यहां से भाग गया था सर, और उसके खिलाफ मैंने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की थी, जिसकी आज तक कोई FIR नहीं हुई। अभी तक मैं 3-4 बार पुलिस थाने में खुद जाके होया आया हूँ, कोई FIR नहीं हुई है। और परसों SP साहब से मिले थे हम, अभिषेक यादव जी से, उन्होंने आश्वासन दिया कि मेरे को एक दिन का टाइम दो, इसमें स्टडी करके इस केस को मैं सॉर्ट आउट करता हूँ। हमारी प्रशासन से भी, हमारे मुख्यमंत्री से ये आग्रह है कि जिस तर्ज पे किसान के लिए SIT बनाई है, उसी तर्ज पे हमारे लिए भी एक SIT या कोई भी पुलिस दल गठित किया जाए जो तुरंत इस पर FIR ले। लेन देन का मामला क्या है इसमें, तो धोखाधड़ी का मामला, कोई हमारे से सेब खरीद के जा रहा, कोई दुकानदारी में भी तो होता है ऐसा, कोई दुकान से कोई सामान लेके चला गया, उसके पैसे नहीं दे तो धोखाधड़ी का मामला बनेगा, वैसा इस पे भी धोखाधड़ी का मामला बनना चाहिए, तुरंत इस पे जो एक्शन होना चाहिए। हमारी मुख्यमंत्री से भी ये आग्रह है कि हमारे लिए भी एक SIT का दल गठित किया जाए, ताकि हमारे पैसे सेफ हो, और किसानों, जब हमारे पैसे सेफ है तो किसानों के पैसे भी नेचुरली सेफ है। सोल्यूशन ये है मुख्यमंत्री, इसमें विशेष तौर पर एक टीम का गठन करे, कोई भी पैसा किसी का नहीं मरेगा। जब कोई भी खरीदार पास से आता है, वो रजिस्टर्ड हो प्रॉपर तरीके से, जो एक दल अलग से बनाया जाएगा उस पर जो है पुलिस उसका पूरा रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन ले, कहाँ से आया, कौन है, क्या है। हिमाचल स्टेट के अंदर जब वो एंटर होता है, उसका पूरा ब्यौरा उनके पास है, जब वापस जाता है तो पूरा ब्यौरा उनको इन्फॉर्म करके बगैर वापस ना जाए, धोखाधड़ी खत्म हो जाएगी खुद ब खुद। जब पता है कि पुलिस में हम एंटर है, वापस भी हमारे को पुलिस के थ्रू जाना है, भाग के जाएगा तो पकड़ा जाएगा। इससे जो ओपन ट्रेड किया है, किसान भी नहीं मरेगा, हम भी नहीं मरेंगे, किसी का पैसा धोखाधड़ी से मारा नहीं जाएगा। ये 2010 से आज तक के आंकड़े दूं मैं तो लगभग इस मंडी का कम से कम 20 से 25 करोड़ रुपया इस मंडी का मर चुका होगा, 20 से 25 करोड़ रुपया नॉर्मल। कोई भी हम 22-23 आरती यहाँ पे एप्पल का काम कर रहे हैं, 23 आरती में ऐसा आरती कोई नहीं होगा जिसका मिनिमम, जो नए नए रजिस्टर्ड हुए 2-3 साल से, उनका भी 50-60 लाख रुपया होगा। जो दो पुराने आरती हो करोड़ों में, कई करोड़ों रुपये में, 3-4 आरती तो यहाँ ऐसे है जो 2-2, 2.5-2, 3-3, 4-4 करोड़ रुपये में पहुँच गए, जिनका लेन देन 4-4 करोड़ में जो डूब चुके। वहीं APMC के सचिव RK शर्मा ने बताया कि उन्हें भी आरतियों द्वारा शिकायत मिली है, जिसमें उनके साथ कुछ लदानी ठगी कर यहां से फरार हो गए हैं। ये सभी आरती इसकी शिकायत जहां मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को कर रहे हैं, वहीं उन्होंने इसके बारे में किसानों के लिए बने SIT को भी सूचित किया है। उन्होंने कहा कि आरतियों का पैसा न मरे, इसको लेकर APMC भी अपने स्तर पर कार्यवाही अमल में ला रही है। पिछले 4-5 सालों से, क्या पिछले 10-12 सालों से, जब से ये बिजनेस चला है मंडियों का और बाहर व्यापारियों का भी सेब की खरीद फरोख्त का, तब से लगातार ऐसा होता आ रहा है। ये नहीं कि आज ही हुआ, आज सिर्फ ये है कि ये लोग जागरूक हैं, पढ़े लिखे लोग आए हैं फील्ड में बिजनेस करने के लिए, तो इन्होंने समझा इस चीज़ को गहराई से कि अगर किसान को हमने पैसे देने हैं तो पीछे से भी हमारे पास पैसे आने चाहिए। तब इन्होंने एकदम से इंटीमेट किया है प्रशासन को, सरकार को और पुलिस विभाग को, नहीं तो पहले भी ऐसा होता रहा, पिछले साल हुआ, उससे पिछले साल हुआ, कई बार हम सुनते थे ये बातें।
तो इस बार इन्होंने बड़ी अर्ली स्टेज में कंप्लेंट की है, जो कि बड़ी अच्छी बात है। तो इसमें हमने भी यहाँ जो कंप्लेंट आई है वो SIT को और अपने अथॉरिटी को ऊपर को लिख दिया है उसके बारे में। तो सर जैसे कि ये भी कहा गया था कई सालों से, ये भी कहा जा रहा है कि कोई भी बाहर से अगर कोई परचेज करने वाला आएगा तो उसकी प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होगी, उसका आधार कार्ड लिया जाएगा, उसकी बैंक डिटेल ली जाएगी, तो सर इस तरह की कोई कार्रवाई इसमें इस वक्त हमने जो अपने लेवल पे किया है आदेशानुसार अपने अथॉरिटी के, कि हमने इनके आधार कार्ड लिए हुए हैं, लेकिन कुछ एक आड़तियों ने हमें आधार कार्ड इनके प्रोवाइड नहीं किए, जो कि रातों रात लोग आते हैं और लेके भाग जाते हैं। लेकिन इनमें से जैसे ये भाग के गए हैं, इनमें से कुछ एक के हमारे पास आधार कार्ड है, उससे हमें ये हेल्प मिल रही है कि उस आधार कार्ड के बेस पे इन्हें सर्च किया जा सकता है। लेकिन बाकी किसी प्रकार का सिक्योरिटी अमाउंट का कोई प्रोसीजर नहीं था अभी तक ATMC में। तो करीबन सर ये कितने जो ऐसे लोग हैं जो भाग गए हैं और कितना पैसा है जो लगभग आज की डेट में हमारे पास जो कंप्लेंट है वो 55-60 लाख के करीब है। तो जिसमें एक जो हमारे बल्कि एसोसिएशन के यहाँ के प्रधान भी हैं, तो उनका 32 लाख है, जो कि वो मैंने उससे टेलीफोनिकली बात भी की थी एक दिन, तो उस कंसर्न बायर ने बोला था कि मैं कल डाल दूंगा, परसों डाल दूंगा, 2-3 बार मैंने भी बात की, उसके बाद अब वो स्विच ऑफ कर लेता है फ़ोन। तो उन्होंने पुलिस को भी, SP साहब को कंप्लेंट की है, SIT को भी कंप्लेंट की है, और बल्कि वो कह रहे थे आज मुझे मॉर्निंग में कि मैं सरकार से भी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी मिलूंगा इस विषय में, ऐसी बात कर रहे थे।